हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रेया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा डेलिया का प्लांट है और इसे मैंने कट कर दिया था। एक बार जब मैंने इसका जो वीडियो है वो बनाया है, वो मेरे प्लेलिस्ट में है, आपको अगर चेक करना है तो आप ज़रूर उसमें देख सकते हैं कि जब मैं नर्सरी से इस प्लांट को मैं लाई थी तो फिर वो अच्छे से वो ब्लूम किया, उसके बाद कट कर दिया था। ये सारी मैंने वीडियो बनाई है। तो उसके बाद जब मैंने इसके जो ट्यूबर्स होते हैं उसको निकाला नहीं था, उसे मिट्टी में ही मैंने रख दिया था, मैंने सब बताया है। तो मैंने इसे कट कर दिया था और जब ये स्प्राउट किया है तो ये थोड़ा और बड़ा हो गया था, बट इसकी जो पत्तियाँ हैं वो आप ये देख सकते हैं इसमें जैसे कि थोड़ी सी मुड़ गई हैं। ये एक तरह का इसका ये थोड़ा सा ये इसे प्रॉब्लम ही है, शायद रेनी सीजन में हो जाता है इस टाइप का। तो ऐसा ये, लेकिन इसके पत्ते को आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है। तो इसे मैंने, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मैंने कट किया है तो ये फिर से इतना स्प्राउट कर गया है। ये देखिए, यहाँ से ये ऐसे दिखाऊँ मैं आपको, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ये है, ये देखिए आप, यहाँ से मैंने कट किया था तो यहाँ से ये देखिए इतना ये निकला है। और इसे मैं पूरा नहीं काटूँगी जब इतना, क्योंकि एक बार मैंने ये खुद से स्प्राउट हुआ और फिर उसे मैंने पूरा यहाँ से एकदम नीचे से कट कर दिया, फिर ये अब उग गया है तो अब मैं इसे ज़्यादा काटूँगी नहीं, बस इसकी मैं पिंचिंग करूँगी। तो ये ऊपर की जो ये पत्तियाँ हैं ना, बस इसे मैं ये कट कर दूँगी, बट इसे मैं पूरा नीचे से कट करूँगी। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसमें ये सिर्फ एक ही प्लांट उगा है, बट ये आप अगर आपका भी प्लांट इस टाइप का है तो उसे आप ज़रूर काट दीजिए, क्योंकि रेनी सीज़न से सितंबर तक हम ये कट कर सकते हैं और इसकी जो है कटिंग भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो भी है, जो मेरे पूरा जो ये प्लांट मैं कट करूँगी, नीचे से जो कट करूँगी, तो उसकी जो ऊपर की जो टहनी बचेगी, जो उसका ब्रांच बचेगा, उसे मैं कोशिश करूँगी कि रेत में लगा के कि वो अच्छे से उसमें से जड़ निकल जाए। बट इस समय रेनी सीज़न है, देखते हैं कि उगता है कि नहीं, क्योंकि इस समय तो थोड़ा सा मौसम में ज़्यादा मतलब नमी होती है, तो वैसे उग सकता है, बट हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि ये मेरा मदर प्लांट ही है ना, अब वो जो कटिंग लगाते हैं वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है जैसे सेप्टेम्बर तक, तो उसमें से फिर नीचे की कटिंग को हम लगाते हैं। और अगर आपको लगाना है तो आप जल्दी से जल्दी, इस समय अब जुलाई का स्टार्टिंग है, ज़रूर नर्सरी से जाके प्लांट ले आइए, या फिर अगर आपके घर में है तो उसकी ऐसी पिंचिंग करिए, पूरा अच्छे से उसकी प्रूनिंग करिए, जिससे कि वो अच्छे से ऐसे ग्रो होगा। और फिर उसकी हम पिंचिंग करते जाएँगे तो वो जल्दी से जल्दी घना होगा, और जब घना होगा तो उसमें ज़्यादा बड्स आएंगे, कलियाँ आएंगी, और सारा बहुत ही अच्छा सा उसमें वो फ्लावरिंग करने लगेगा। और अगर आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर दें, मतलब कि ये जून से स्टार्ट कर दें, सितंबर तक, अक्टूबर तक भी कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, उसके बाद जो ऊपर की थोड़ी बहुत पिंचिंग होगी, मतलब कटिंग की मैं बात कर रही हूँ, प्रूनिंग की, तो फिर जब सितंबर अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर करना है तो सिर्फ ऊपर की जो, अभी मैं बताऊँगी कैसे करते हैं पिंचिंग और प्रूनिंग, तो वैसे ही आप कर सकते हैं। उसका वो करने से वो प्लांट को थोड़ा पुश मिलता है कि वो अच्छे से और कलियां दे सके और फूल उसमें निकल सके। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं कट करूँगी अपने प्लांट को। और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मेरा ये दो प्लांट हो गया, और भी है, ये देख सकते हैं, ये इसमें भी तीन चार निकला था, बट वो बारिश की वजह से थोड़ा सा गल गया, बट एक ही प्लांट बचा है। तो इसे भी मैं कट करूँगी, क्योंकि देखिए ये मुड़ा मुड़ा हो रहा है, तो ये अभी कट करने से है कि इसको थोड़ा अच्छा ग्रोथ करने की इसको। ये देखिए, ये एक प्लांट है और एक ये है, तो इसे सभी मैं अब कट करने वाली हूँ, तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी मैं पिंचिंग करूँगी, तो पिंचिंग कैसे करते हैं, ये ऊपर की जो ये है ना, ये पत्तियाँ हैं, इसे हम कट करेंगे तो उसे हम पिंचिंग कहते हैं। तो ये मैं यहाँ से सोच रही हूँ कट करूँ या यहाँ से कट करूँ, क्योंकि थोड़ा लंबा ही हो गया है प्लांट, तो मैं इसे यहाँ से क्या कर रही हूँ, इसे कट कर दे रही हूँ मैं। और जहाँ जहाँ मैं कट करी हूँ वहाँ वहाँ पे मैं एक फंगीसाइड के रूप में मैं हल्दी लगाऊँगी। तो ऐसी देखिए मैं अभी और जो है इसे लगाऊँगी, ये देखिए इसकी पत्ती साइड वाली भी कट गई है, कोई बात नहीं, वहाँ से निकल जाएगा। और मैं ऐसी जो है इस क्या नाम है, ये देखिए इसकी जो बीज की पत्तियां हैं, ये तो अभी आप काट देंगे तो उससे और जो है ब्रांचेस निकलेंगी, और जितनी ब्रांचेस निकलेंगी उतना ही हमें फूल मिलेगा। देखिए फिर
देखिए ये मैंने सारी इसमें से कट कर दी है, आप देख सकते हैं ये मैंने सब कट कर दिया है और ये अब यहाँ से नए नए ब्रांचेस जो हैं वो निकलेंगे। चलिए इस प्लांट को अब हम काटते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी पत्तियाँ मोड़ी हुई हैं। तो इस ये देखिए ये जो है नीचे से मैं दिखाती हूँ, ये सिर्फ एक ही प्लांट है, थोड़ा मोटा है, ये मदर प्लांट ही है, इसमें से और अलग से कोई ब्रांचेस नहीं है, ये एक ही प्लांट में से इतनी सारी पत्तियाँ निकली हैं। बट ये बिल्कुल भी मोड़ा मोड़ा है, ये देखिए ये जो मैंने कट किया है फिर भी ये अच्छी पत्तियाँ थी, और इसमें देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी रखना नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का ये प्लांट में प्रॉब्लम है, कुछ इसमें फंगिसाइड लग गया, इसमें मैंने मतलब फंगस लग गया है। तो वैसे ये दिखता नहीं है बट इस टाइप का हो जाता है, बट मैंने नीम ऑयल का छिड़काव किया था फिर भी ये सही नहीं हुआ है। तो इसे कट करना ही अच्छा है ताकि वो आगे चल के अच्छा एक हेल्दी प्लांट बन सके। तो मैं इसमें कट करूँगी, देखिए आप ये नीचे से जो दिख रहा है ना, ये मैं नीचे से कट करूँगी और ये नीचे की कुछ पत्तियों को मैं छोड़ के करूँगी, और ये जो ये इसकी डंडी है उससे मैं क्या करूँगी जो है कटिंग के रूप में ग्रो करने की कोशिश करूँगी, कि वो अगर ग्रो हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, मुझे एक नया प्लांट मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो ये जब बड़े होंगे तो उसकी एक अच्छी खासी हेल्दी स्टेम को मैं लेके, बस इसकी न्यू जो होती हैं स्टेम वही लगती हैं, बट जब थोड़ा होता है ना कि अभी ये प्लांट बहुत छोटे हैं, अभी ये स्प्राउट ही किए हैं, तो मैं इसको शेप देने के लिए कट कर रही हूँ, बट जब बड़ा होगा तो उसकी कटिंग को ग्रो करूँगी, क्योंकि और ताकि मैं इससे एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकूं। और आप जानती हैं डेले का फूल कितना ज़्यादा सुंदर लगता है, और जितने ज़्यादा मैं प्लांट उससे बना सकती हूं ये मेरे लिए ही बहुत अच्छा है। मेरे पास इस समय जो है वो 5 प्लांट्स हैं, तो मैं इससे और ज़्यादा, ये देखिए ये मैंने कट कर दिया है और अब इसकी सारी पत्तियों को मैं अलग करूँगी और ऐसे ही कट करूँगी जितने भी मेरे अदर जो हैं प्लांट्स। और जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं पिंचिंग कैसे करूँगी, और ये मैंने प्रूनिंग कर दी है, मैंने इसे कट कर दिया है। और कैसे कट किया है देखिए, इसमें थोड़ी सी लीव्स हैं, उसके ऊपर से मैंने नोड एरिया से कट किया है, ऊपर से इसमें ब्रांच निकलने का बहुत ही ज़्यादा इसमें है, मतलब जल्दी निकलेगा और रेनी सीजन में जल्दी निकलते ही है। और इसका जो ये पोर्शन दिख रहा है यहाँ में मैं हल्दी लगा दूँगी, और इसके भी जहाँ पर जो भी दिख रहा है कटिंग वहाँ पर मैं हल्दी लगा दूँगी, वो एक फंगिसाइड का काम करता है। कि मैंने ये कटिंग लगाई है और फिर बारिश हो गई थी तो ये थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया है, तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे हम कट करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये कटिंग लग जाए, बट फेंकने से बेटर है कि हम जो है उसका यूटिलाइज़ कर लें। और कटिंग तो मैं फिर से सितंबर अक्टूबर में जब मेरा प्लांट जो है मैच्योर हो जाएगा तब मैं लगाऊंगी ही। और इसमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या हम गलतियाँ कर देते हैं और जिससे वो जो कटिंग होती है हमारी नहीं चलती है, तो वो भी मैं बताऊंगी। बट उससे पहले मेरे पास और भी प्लांट्स बचे हैं, मैं वो आपको कट करके दिखाती हूँ, और कैसे इसको लगाना है वो भी बताती हूँ। ये देखिए कि बारिश की वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा है गीला, आप देखते हैं, इसको मैं छोड़ देती हूँ ऐसे ही, मतलब इसको खुले में ही छोड़ना है, धूप में नहीं। और देखती हूँ कि ये जो है, वैसे हमारी कटिंग की जो ये पत्तियाँ ही बस, क्योंकि पत्तियाँ तो जो थोड़ी बहुत ऊपर की थी वो तो थोड़ी बहुत सूखेगी और वो तो नॉर्मल सी बात है, बट ये इसकी डंडियाँ अभी भी सही हैं, ये ब्राउन ही आपको दिख रही होंगी, देख सकते हैं, बट ये भी ये कोई ख़राब नहीं हुई है। बट आपको इसकी लीफ सूखी हुई दिख रही होंगी तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप ऊपर का वैसे भी कट करके हटा भी सकते थे पत्तियाँ, और मैंने रहन दिया था, बट आप देखते हैं, आई विश कि ये ख़राब ना हो। मैं चलिए आपको और कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो मैंने कट किया था उस पर मैंने ये देखिए ये हल्दी लगा दिया था जो फंगिसाइड का काम करेगा, और ये इस पर भी मैंने लगा दिया था, और ऐसे ही हमें कट करना है। मैं चलिए आपको कट करके दिखाती हूँ कैसे क्या करना है। ये देखिए ये एक प्लांट है, इसे मैं अब कट करूँगी, तो इसे अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे कट करेंगे। ये जो है ये थोड़ी सी लीफ हम छोड़ देंगे और उसमें हम कट करेंगे, जैसे कि ये नीचे की मैं दो लीफ सोच रही हूँ छोड़ दूँ और यहाँ से मैं कट कर दूँ। ये देखिए ये यहाँ से मैं कट करूँगी, क्योंकि ये इसकी नीचे की मैं पत्तियाँ जो हैं छोड़ दूँगी, ये नोड एरिया से मैं यहाँ पर जो है कट करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया, और ये जो ये बच गया इसको मैं, इसके जो बीच वाली जो ये है स्टेम, इसको मैं मतलब कटिंग के रूप में इसको मैं लगाऊंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे और मैं सारे पहले कट कर लूँ, उसके बाद मैं सबको लगा के भी दिखाऊंगी कैसे हम लगाएंगे रेत में। और हम जो है वो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरा बहुत नीचे से नहीं, वैसे भी छोटे का, तो ये देखिए मैंने इतनी पत्ती, ये और सारी पत्तियां देखिए ये मुड़ी मुड़ी लग रही हैं, बट हमको ऐसा जितना भी मुड़ा हुआ है पत्तियां उसको एकदम ही रिमूव कर देना है, क्योंकि ये प्लांट को ख़राब कर रहा है ये। और ये देखिए ये सारी पत्तियाँ सही हैं, तो मैंने इसके ऊपर से ये देखिए मैंने यहाँ पर कट कर दिया है, मैंने यहाँ पर हल्दी भी लगा दूँगी। ये देखिए ये एक पत्तियों का ये
है, फिर उसके बाद उसके नीचे भी है, तो अब अच्छे से यहाँ से उगेगा। उसके बगल में भी देख सकते हैं आप छोटा सा प्लांट उग रहा है, तो उसको अभी हम कुछ भी बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। अब दूसरे में आपको चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक और प्लांट है मेरा, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है, और एक ये एक और है, तो इसमें भी मैं जो है नोडेरा से नीचे से कट करूँगी। और ये तो अच्छा खासा हेल्दी लग रहा है, तो इसमें भी मैं नीचे की जो है ये मैं यहाँ से इसको मैं कट कर दूँगी। मैं आपको फिर सब मैंने एक को दिखाई दिया है और मैं सब आपको कट करके दिखाती हूँ और फिर उसकी कटिंग को लगाऊँगी। तो ये देखिए ये अलग अलग हैं, ये देखिए ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, और ये एक अलग प्लांट है। और ये देखिए मैंने सैंड ले लिया है, और ये कुछ मेरे घर में बॉटल्स पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे प्लास्टिक जो है प्लास्टिक के ग्लास जो है वो नहीं मिल रहे हैं। तो अब इसको मैं कैसे लगाऊँ, इसको मैं डायरेक्ट गमले में तो लगा नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे रूट को डेवलप करना है। तो ऐसे जो घर में सब आप लोग के घर में भी होंगे, तो उसमें जो है आप ऐसे करके उसमें छेद आप चाकू को गर्म करके कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सब में होल्स बनाए हुए हैं। तो अब इसमें मैं इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जैसे कि आप कोई कटिंग लीजिए, जैसे कि मैंने ये जो है ये छोटी वाली कटिंग ली है, ओके। तो इसे जो है मैं इसमें जो सारी लीव्स हैं इसको मैं ऐसे ऐसे करके अलग करती जाऊंगी। देखिए सारी लीव्स को हमको कट कर देना है, ऐसे ऐसे करके ही सारी जितनी भी ये लीव्स हैं, देखिए ऐसे ऐसे करके मैं सारी लीव्स जो हैं जैसे इसमें देखिए ये मैं ऐसे ऐसे करके कट करती चली जाऊंगी। और फिर उसके बाद जो बीच का ये जो लंबा हिस्सा बचेगा उसको मैं लगाऊंगी। और हमें जो है वो अलग अलग ही, जैसे एक टाइप का पेड़ है तो वो एक ही साथ आप लगा सकते हैं। जैसे अभी ऊपर का मैं छोड़ दे रही हूँ, ये थोड़ा हेल्प करेगा डेवलप होने में बाद में, अगर ये सूख भी जाता तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये इसकी हमारे ये देख सकते हैं अच्छी खासी ये मोटी स्टेम है, तो ये इसके लगने के चांस ज़्यादा हैं। बट अब बट देखते हैं, क्योंकि बारिश बार बार हो जा रही है और इतनी ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें जो है इस समय लगाना चाहिए। बट ये आपको मैंने दिखाया ही मेरा मदर प्लांट ही है, अभी मैंने उसको कट करके मैंने अभी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सभी को कट कर दिया है। और फिर उसके बाद अब ये अगर उग जाता है तो अच्छा ही है, वैसे तो सब ये एक तरह से ये फेंकने वाला ही होता है, क्योंकि अभी तो ये बहुत ही नाजुक टाइप पे होता है। अब देखते हैं, किसी भी कटिंग को हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसका ज़रूर हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो ऐसे जैसे मैंने ये कट कर दिया है, तो ये मेरे पास एक है बॉटल है, मीन्स देखते हैं इसमें हो पाता है कि नहीं, छोटा लग रहा है, सही है रूट डेवलप होने में, इतना तो चले ही जा रहा है, दो नोट तो हमारे अंदर चले ही जा रहे हैं। और ऐसे ही मैं इसको भी ये हाथ से भी हम तोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ से भी मैं अलग कर सकती हूँ, मैं बहुत हल्के हाथों से ही करना है ऐसे ऐसे करके। और ये देखिए जैसे कि इसमें जो है ये ऊपर लंबा बच रहा है, तो इसको हम हाफ ऑफ कट कर सकते हैं पत्तियों को, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बट अगर पत्तियाँ छोड़ेंगे तो रूट डेवलप होने में ज़्यादा टाइम लेगी, तो इसको हम अच्छे से वो कर लेते हैं, मतलब आधा तक कट कर लेते हैं। तो अब ये देख सकते हैं मैंने इसको आधा तक कट कर लिया है, और मैं इसे जो है इसमें अपने बॉटल में लगाऊंगी, और इसकी दूसरी कटिंग को भी मैं इसी में लगाऊंगी, क्योंकि ये लंबा है तो अच्छा खासा लग जाएगा। आप ये देख सकते हैं मैंने इसमें ये लगा दिया है कटिंग, अच्छा खासा ये लंबी कटिंग है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसके देखिए नोड एरिया जो है वो गए हैं इसके अंदर। और इसमें जो है आपको जब भी वो करना है, तो आपको ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि जब भी आप कोई कटिंग लगाएंगे तो उसमें पहले ये डाल दीजिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इससे पहले कुछ गलतियाँ कर दी थी जिससे वो मेरा जो कटिंग था वो ख़राब हो गया था। तो क्योंकि वो खुद ही ना, जैसे कि अगर ये है, अगर हम जैसे रेत में अगर ऐसे करके इसमें डालेंगे ना, तो ये ना इसका जो डैमेज होने का जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, डैमेज हो जाती हैं। और मैंने इससे पहले ऐसे कर दिया था, तो ये जो नीचे की जो स्टेम होती है वो डैमेज हो गई थी, तो बट अब जो है वो मैं ऐसे जब मैंने किया तो वो बहुत ही अच्छे से एक जगह पे स्टेबल रहती हैं। और किसी भी जैसे कि आप जैसे मैंने ये बॉटल को ही कट कर लिया, तो इससे मैं जब इसमें डालूंगी तो बहुत अच्छे तरीके से किनारे किनारे देखिए आराम से बहुत इजीली तरीके से ऐसे आप जो है वो सारा जो सैंड है वो भर सकते हैं। देखिए ऐसे मैं भर दूँगी सारा, ये देख सकते हैं ये मैंने पूरा इसमें जो है वो भर दिया है अच्छे से। और ये देखिए कितना अच्छे से ये अपनी जगह पे देखिए ऐसे हिल भी नहीं रही है, क्योंकि एकदम वहीं पे स्टेबल हो गई है, और कितना अच्छी भी लग रही है। तो ऐसे ही अपने इसमें हम बस पानी डाल देंगे, और किसी आप डिब्बे के ये ऊपर रखिए, क्योंकि देखिए इसमें से ये सारा जो सैंड है बाहर आ रहा है जब इसमें हम वाटर डालेंगे, वाटर भी बहुत ही धीरे से डालना है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ऐसे जो है हम अपनी कटिंग लगाएंगे, और जब इसका जब ये ग्रो हो जाएगा, आप देखते हैं कि होपफुली ये ग्रो हो जाए, तो मैं आपको फिर रिज़ल्ट जो है वो दिखाऊंगी। बट उससे पहले मैं पानी डाल देती हूँ, और क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए सारी कटिंग को मैंने इसमें जो है लगा दिया है, और एक डिब्बे में भी रख दिया है। और इसमें देखिए
आपको पानी जो है वो कैसे डालना है वो मैं दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये पानी डालने से जो थोड़ी बहुत अगर गड्ढे हो जाते हैं तो वहाँ पे हम फिर से जो है वो सैंड जो है वो डाल सकते हैं, हल्का सा डाल सकते हैं। आप ऐसे ही डालिए थोड़ा सा हल्के हाथों से ताकि बिल्कुल भी कटिंग को नुकसान ना हो। फिर उसमें हल्का सा जो है वाटर, देखिए आप ऐसे किसी भी डिब्बे से डालेंगे तो एकदम हल्का धीरे से डालिए जिससे वो बिल्कुल भी वहाँ पे वो ना हो, गड्ढे ना हो। और ये देखिए ये मैंने लगा दिए, मैंने दो दो कटिंगें लगा दी है ऐसे करके धीरे, वो जब पानी बैठ जाए ऐसे करके आप डालते जाइए, पानी धीरे धीरे डालते जाइए तो नीचे तक नीचे से पानी ना निकलने लगे। तो ये हो गया हमारा डेलिया का कटिंग लगाने का तरीका। अब ये इसमें से रूट निकले या ना निकले, बट जो भी मैंने बताया है वो बहुत ही बेस्ट मेथड है क्योंकि मैंने उस ऐसे जो है उगा चुका है। बट इस समय मैं इसलिए इसे लगा रही हूँ क्योंकि इसे मैं फेंकना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये मदर प्लांट ही है। मैंने जो भी अपने अप्रैल के मंथ में कट कर दिया था प्लांट को, उसको मैंने फिर से, मैं को फिर से रिवाइंड कर दे रही हूँ सारी सारी चीज़ें कि मैंने क्या क्या किया था। कि मैंने अप्रैल में कट किया था तो उसके बाद उसमें से स्प्राउट किया था। वो प्लांट अभी नया होता है तो फिर जब वो बढ़ गया तो उसमें वो उतना जैसे कि बुशी नहीं हुआ तो वो ज़्यादा बड्स कैसे देगा, तो वो बस लंबा होता रहता है। तो हमें उसको ज़रूरत होती है प्रूनिंग करने की, पिंचिंग करने की, तो वो मैंने देखिए करके दिखा दिया है। और इसमें इसे बहुत लोग फेंक देते हैं बट मैंने सोचा कि चलो लगा के देखते हैं, क्योंकि आपने स्टेम देखा कि वो अच्छा खासा मतलब सही ही है। किसी का ये छोटा वाला ही थोड़ा सा पतला था और वैसे सबका ज़्यादातर अच्छा ही था स्टेम। और ऐसे ऐसे करके आप पानी जो है वो डालते रहिए नीचे तक, और फिर उसके बाद जब ऐसे कटिंग हमारी अगर लग जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है, नहीं भी लगती है तो जब वो बड़ी हो जाएगी, अभी एक रेनी सीजन है तो एक मंथ में तो थोड़ी बड़ी हो ही जाएगी। और फिर बाद में हमको उसमें क्या करना है, पिंचिंग करते रहना। अब हमें प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करना, अब हमें बस ऊपर ऊपर की जो दो पत्तियाँ होती हैं ना, जो ये दो पत्तियाँ दिख रही हैं इस टाइप की दो पत्तियाँ होती हैं, बस मैंने कल दिखाया भी था आपको, और उसमें जो है मतलब कट करते रहना है जिससे वो हमारा जो है और ब्रांच निकलेगा और उनसे और कलियाँ निकलेंगी। और ये हमें सेप्टेम्बर से अक्टूबर तक करना है और ये चीज़ें आपको करनी है। और सितंबर से आपको खाद भी देते रहना है। और आपको क्या नहीं करना है, तो आपको क्या नहीं करना है, तो कभी भी जो मैंने बताया कि किसी भी डंडी को, जैसे कि कोई भी, जैसे कि कोई डंडी है, देखिए जैसे कोई भी ये क्या है डंडी है, तो उसको कभी भी ऐसे करके ऐसे नहीं लगाना। ये देखिए ऐसे करके हम लगाएंगे तो ये ऐसे करके क्या होगा, देखिए ऐसे मुड़ जाता है ये, ऐसे ज़रा सा भी आपका जो ये स्टेम है ऐसे टेढ़ा हुआ, देखिए तो ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और फिर उसके बाद जब हमें हमेशा प्रूनिंग ब्रिंजिंग करते रहना है, और कभी भी जैसे लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है और आपको उस समय बिल्कुल भी नहीं कट करना, जैसे समय आप देख रहे हैं धूप है तब मैंने कट किया है, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो जो अभी बहुत नाजुक होते हैं, इतना भी ओवर वाटरिंग तो चाहिए नहीं। अब बारिश के मौसम वैसे भी इसको आप बाहर ही रखिए और अंदर भी मत रखिए, अंदर रखने से उसको सफोकेशन हो जाता है, वो बिल्कुल भी वो वुडन डेड हो जाता है। ये मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं बता रही हूँ कि रेनी सीजन मत काटिए, मतलब बारिश हो चुकी हो जहाँ पे आप रहते हो, बट थोड़ा मौसम सही हो तब आप काटें ताकि वो थोड़ा सा उसको ग्रो करने का टाइम मिलेगा, नहीं कि तुरंत आप काटा वो, वैसे भी उसमें वाटर पहले उसके स्टेम में था और बारिश की वजह से और वो मतलब वो सड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, और बिल्कुल भी वैसे रेत में मत लगाइएगा, और जो भी नहीं करना था वो मैंने आपको बता दिया। तो अब चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मैं उसको कट करने के बाद कैसा मेरा प्लांट लग रहा है, और उसमें से जब स्प्राउट करेगा और तब मैं दिखाऊँगी। और ये जो है ये अच्छे से जब ग्रो हो जाएगा, मैं विश करती हूँ कि ये ग्रो हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये कटिंग के बाद कैसा लग रहा है, और ये आप देख सकते हैं इस पर मैं जो है अब हल्दी लगाने वाली हूँ। ये देखिए मैंने एक डिब्बे में रख लिया है और इसे मैं जो है एक माचिस की उससे लगा रही हूँ। हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि बारिश का मौसम है, इकट्ठा नहीं करना है हमें, बस उसको हल्का सा बस हल्के हाथों से लगा दीजिए ऐसे। और ये देखिए ये एक दूसरा प्लांट है, ये एक देखिए दूसरा प्लांट है, तो इन सब पे मैं लगाऊंगी। ये देखिए ये इस पर हल्का सा लगा देना है, बस हल्का सा लगाना है। तो अब जब ऐसे ही मैं लगा दूंगी सारे पे, फिर उसके बाद हम चलिए वेट करते हैं अब कि हम जो है इसकी कटिंग जो है वो, वैसे शायद 20 से 25 दिन में वो रूट निकल जाते हैं, बट देखते हैं जब जैसा भी होगा। चलिए मैं आपको फिर अब आप ही देख सकते हैं कि ये कट करने के बाद कितना अच्छा स्प्राउट किया है, ये देख सकते हैं आप कितना घना हो गया है, और ये देख सकते हैं। तो इसकी कटिंग जो मैंने लगाई थी वो तो वैसे चली नहीं है, बट ये आप देख सकते हैं कि ये बस दो टहनी थी, बट आप देखिए दो में से कितना ये निकल चुका है ऊपर से हर एक ब्रांचेस में से। तो
तो ऐसे ही मेरे सारे डेलिया के पौधों में ऐसे ही हुआ है। और जो इसकी टहनियाँ हैं वो अभी नहीं लगी, तो इससे मैं आपको दिखाती हूँ, वो एकदम गल चुकी हैं वो। तो इससे हमें यही पता चलता है कि बारिश के मौसम में हमें नहीं लगाना चाहिए एकदम स्टार्टिंग में। और वो बहुत ज़्यादा वो नाजुक भी थी, इसलिए भी नहीं लगी हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये आप देख सकते हैं ये छोटा सा खिला है। तो ऐसे ही आप अपने जो है पौधों को वो प्रूनिंग करते रहिए और उसको और बुशी घना बनाते रहिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरी कटिंग जो है वो एकदम ख़राब हो गई है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा दिन भी हो गया है, मैं नहीं बना पा रही थी। और मैं उसको जो मेरा डेलिया का जो पौधा है उसको अच्छे से बड़ा होने का वेट कर रही थी, बट आप देख सकते हैं सारी जो कटिंग है वो ख़राब हो चुकी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, आप बिल्कुल मत करिएगा। मतलब एक तरह से ये मिस्टेक नहीं थी, वो तो जो कटिंग मैंने की थी उसको हम फेंकने ही थे उसको, तो फेंकने से अच्छा था कि मैं जो है वो रेत में लगा के उसको मैं ये देख रही थी कि वो उगता है कि नहीं उगता है। बट वो बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं कि क्योंकि वो भी मदर प्लांट था ना, तो उसके अलग से वो कोई ब्रांचेस नहीं थी, वो मदर प्लांट ही था, तो वो नॉर्मल सी बात थी कि वो मतलब गल ही जाता। और वो शायद निकलता, क्योंकि मेन बात ये थी कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई और अगर मैं अंदर रखती तो भी वो मर ही जाता, बाहर रखी तो भी वो ऐसे ही हो गया। तो आपको भी इससे ये सीखना चाहिए कि जो है आपको जब अपने सितंबर अक्टूबर में जब थोड़ा प्लांट जो बड़ा हो जाए तब हमें उसकी कटिंग लगानी है। मैं उसकी कटिंग की अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट आपको बहुत ही अच्छे से अपने प्लांट को प्रून करते रहना है, घना बनाते रहना, जिससे बहुत सारे उसमें बड्स आएंगे और उसमें आप बहुत सारे जो है ले सकते हैं आप फ्लावर तब। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, हिट द बेल आइकन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।